got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just want. गैर फिल्मी हो, परंपरागत गीत हो, संगीत हो, वादक हो या गायक हो, सभी ने संगीत को जन जन तक पहुंचाया है। फ्रांस में पहली बार 1982 में संगीत दिवस मनाया गया, जिसका श्रेय तत्कालीन संस्कृति मंत्री श्री जैक लॉ को जाता है। इसके पूर्व अमेरिका के संगीतकार यूएल कोहेन ने वर्ष 1976 में इस दिवस को मनाने की बात कही थी। इस दिवस को फेटे डिलो म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है म्यूजिक फेस्टिवल। विश्व में 120 देशों में ये दिवस मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस का उद्देश्य है लोगों को संगीत के प्रति जागरूक करना, ताकि लोग संगीत में विश्वास रखें। संगीत की विभिन्न खूबियों के कारण ही विश्व में संगीत के नाम से एक दिन है। संगीत मानव जगत को ईश्वर का एक अनुपम दैवीय वरदान है। हर भाषा, हर देश में संगीत के सुर साथ ही हैं और लय ताल भी एक ही है। आज के दिन संगीत और ललित कला को प्रोत्साहित करने वाले कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, गायन वादन का प्रदर्शन होता है। वर्तमान में संगीत एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो व्यक्ति को शारीरिक मानसिक रोगों और व्याधियों से मुक्ति प्रदान करता है, और करियर के नजरिए से संगीत का क्षेत्र असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। देखा जाए तो हर दिन संगीत का दिन है। संगीत जिसमें जिंदगी के सारे आरोह अवरोह, गमक आलाप मुर्की सब शामिल हो। न जाने कितने सुर प्रकृति में बिखरे हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कई बार तो हमारे बेहद करीब से गुजर जाते हैं, हमें छू लेते हैं। हम गुनगुनाते हैं, हम गाते हैं, लेकिन ये सुर भी यही चाहते हैं कि कोई आए और उन्हें थाम ले। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत रियाज चाहिए, कड़ी साधना। देह के इस साज में सांसों का सुर साधना भी रियाज ही होता है, और इसी रियाज को योग भी कहते हैं। आज विश्व योग दिवस भी है। आइए योग और संगीत को हम सब साधते हैं, अपनी अपनी जिंदगी के तमाम बिखरे हुए टूटे हुए सुर समेटते हैं, ताकि ये जिंदगी मुस्कुरा उठे। विश्व संगीत दिवस और योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।